श्री कार्तिक मास महात्यम 32वां अध्याय प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं आपको प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के बाद भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के बाद उठते हैं, इसीलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास का जो व्रत कर्त होता है वही इस दिन समाप्त होता है। नारद जी ने इस व्रत को करने संबंधित प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशियों का व्रत होता है उसी प्रकार इसका भी व्रत होता है। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी का व्रत सर्व सिद्धिदायक है एवं मोक्ष प्रदायक है। भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। इस दिन व्रत करने के साथ भी पंचक व्रत को करने वाले तो प्रभु के विशेष पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले कि हे मुनिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, चारों वर्णों में से जो भी कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको वह वृतांत सुनाता हूँ। नारद जी ने राजा प्रभु को बताया, ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने बताया कि बहुत पहले सतयुग में सुमित नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त, उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला हुआ था। हे महाराज, उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर की परम भक्त थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजा आरोहण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक साधन हैं, तब भी आप ध्वजा आरोहण करने में इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं? यह सुनकर राजा ने कहा कि हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास है, मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की भांति कार्य करता था। द्वेष कुकृत्यों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं वन में जाकर एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। वन में जीव जंतु एवं मृग आदि मारकर मैं अपनी भूख को शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को ही मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहाँ आई और मेरे पास आकर रहने लगी। एक दिन हमने कपड़े को छड़ी में बांधकर झंडा बनाया और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते रहे। हे मुनीश्वर, संयोग से उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सारी रात नृत्य करने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत आए और हमें प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहाँ आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले, यह दोनों महापापी हैं, इन्होंने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर भगवान विष्णु के दूत बोले कि बड़े खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म की जरा भी ज्ञान नहीं। यह सत्य है कि यह जीवन भर कुकृत्यों में लीन रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया
तथा नृत्य गायन किया है, इससे इनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हो गए हैं। हे दूतो भले ही इन्होंने कार्य अनजाने में किया है, किंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे मामुने, वे हमें विमान में बिठा कर ले गए। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमित ने कहा, हे महामुनि, अनजाने में किए गए कार्तिक मास में ध्वजा अवरण का इतना फल है, तो श्रद्धापूर्वक किए गए ध्वजा अवरण का कितना फल प्राप्त होगा, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विभांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।